नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। आज बात करेंगे एपोसियानम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एपोसियानम नाम सुना होगा लेकिन बहुत ही रेयर रेमेडी है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बहुत कम लोगों को पता है। एपोसियानम जो है आज की दवाई एपिस का भाई है, एपिस मेलिफिका आपको पता होगा, बहुत फेमस दवाई है। स्वेलिंग, इडिमा इस तरह के सिचुएशन के लिए या फिर इंसेक्ट बाइट के लिए दिया जाता है। एपिस्मेल का दूसरे बहुत सारे लक्षण हैं, उसका हमने डिस्कस किया है उस वीडियो में। एपोसियानम एपिस का भी एक तरह का भाई है। कहने का मतलब यह है कि मोस्टली जो सिम्टम्स आपको एपिस में मिलेगा एपोसियानम में भी मिलेगा, जनरली रिलेटेड टू एडिमा, ड्रॉप्सी, ये सारा सिचुएशंस इसमें मिलेगा। लेकिन कुछ इसमें खासियत है एपोसियानम में, आज की दवाई में, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि बहुत सारा क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स डिजीज जो आज बन चुका है उसका सॉल्यूशन जनरल दवाइयों में नहीं है, स्पेसिफिक दवाइयों के बारे में बात करनी है। तो एपोसियानम के बारे में जानेंगे कौन कौन से इसके क्लिनिकल फीचर्स है जिससे आपकी जान बच सकती है। जो चीज एलोपैथिक दवा नहीं कर सकती वो एपोसियानम कर सकती है, ये हम दावे के साथ इसीलिए कह सकते हैं कि बहुत सारे केसेस हमने सॉल्व किए हैं एपोसियानम के साथ। किडनी से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा केस हो जिसमें आपका एडिमा हो, एसआईटिस हो, पेट में पानी भर जाना, शरीर में पानी भर जाना, इसलिए पूरा वो स्वेलिंग हो जाता है, उसमें एपोसियानम उसको बिल्कुल ठीक कर देती है और बहुत जल्द ठीक करती है बिना कोई साइड इफेक्ट के। आप अगर एलोपैथी सिस्टम में जाएंगे वो कुछ ऐसे डायूरेटिक देंगे, डायूरेटिक मतलब जो कंटिन्यूसली यूरिन करता रहता है, लासिक्स जैसा, उसके मदद से वो लोग शरीर से जो एक्स्ट्रा जमा हुआ पानी लिक्विड है उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में, इस प्रोसेस के अंदर किडनी आपका बहुत ही वीक पड़ जाता है, उसका बहुत भारी नुकसान पहुंचता है आपके शरीर को। लेकिन एपोसियानम एक ऐसी दवाई है दोस्तों, तो बिना साइड इफेक्ट, पार्श्व प्रतिक्रिया के एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आपके शरीर में जमा हुआ है जिसका बहुत ही खराब परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है आपके शरीर पे, वो उसको बिल्कुल बहुत ही आराम से वो उसको दूर करता है जिससे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो जानेंगे उसके बारे में, टॉप क्लिनिकल पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं कीजिए। स्पेसिफिक दवाई है, इसको हमेशा अपने घर में रखना अगर इस तरह के सिचुएशंस आप में पाए जाते हैं। तो कम से कम एलोपैथिक सिस्टम का दवाई है आप इस्तेमाल करें, ये सिम्टम्स अगर है एपोसियानम डेफिनेटली इस्तेमाल करें। 6-12-30 पोटेंसी 200 भी रखिए अपने घर में, और कैसे पोटेंसी को इस्तेमाल करना है वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं इसके जो टॉप पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, डिक्रीज एक्सेशन लाइक स्वेट एंड यूरिन। किसी इंसान में बहुत पसीना आता था लेकिन वो जब आप कहे कि आजकल सर मुझे पसीना नहीं आता, यूरिन बहुत कम हो गया है, कम हो गया यूरिन, जो यूरिन आता था, पेशाब आता था, बहुत ही मोटा बन गया है, येलोइश और टर्बिड बन गया, मतलब जो एकदम फ्लो हो रहा था पानी की तरह, वो बहुत कम हो गया, उसकी क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, ठीक है, गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर उसको कोई बीमारी हो जो कि रुक गया हो, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस बाहर निकलता था पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, अगर कहीं तरह से रुक गया है, तो उसको जो जो बीमारी होती है आप उसके लिए एपोसियानम सोच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जनरल इडिमा, इसका नतीजा क्या होता है, जब वो पसीना और यूरिन जब जमा होता था शरीर में, जो उसका एक्स्ट्रा लिक्विड जो कि शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए वो नहीं निकलता, शरीर के जो टिश्यू फ्लूइड के रूप में जमा हो जाता है, तो जनरल एडिमा, स्वेलिंग हो जाती है शरीर, हाथ और पांव स्वेलिंग हो जाते हैं, चेहरा फूल जाता है, आंखों के नीचे वो जो ये जो आईलिड्स है नीचे की तरफ पलकों में वो जमा हो जाते हैं, पूरा स्वेलिंग हो जाती है शरीर में, जॉइंट्स में भी स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन में बहुत बढ़िया काम करता है एपोसियानम। एसाइटिस विद ब्रूस फीलिंग द एब्डोमेन, पेट में पानी जम जाता है, पेट पूरा बड़ा हो जाता है, वहां की नस नाड़ियां दिखने लगती है, बाहर के जो वेन्स होते हैं वो पूरा बड़े बड़े आकार का दिखने लगती है, और उसको एसाइटिस बोलते हैं। लीवर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, जो लोग आमतौर पर अल्कोहलिक है, शराब ज्यादा पीते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो एसाइटिस में जब आप देखें एलोपैथिक सिस्टम में इसका कोई इलाज है ही नहीं। होम्योपैथी सिस्टम में बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं, लेकिन उनमें से एपोसियानम एक बहुत ही क्विकली एक्शन में आने वाला दवा,
एसआईटीज को जो पानी एक्स्ट्रा जमा हो जाता है पेट के अंदर, वो उसको फटाफट निकालता है और बैलेंस करता है कुछ दिनों में ही, रिजल्ट आपको दिखने लग जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। उसमें पानी तो जमा होता है, एक ब्रूइश सेंसेशन मतलब दर्द जैसा फीलिंग होता है, स्ट्रेचिंग जैसा फीलिंग होता है, अंदर कोई काट रहा है, चुभ रहा है, ऐसा सेंसेशन फीलिंग होता है। तो एपोशिया ने बहुत बढ़िया काम करता है। ड्रॉपसी विद थर्स्ट, इसमें जो स्वेलिंग होता है, अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि एपिस और एपोशियानम दोनों भाई है, लेकिन दोनों में कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे कैसे आप पता करेंगे दोनों में डिफरेंस? ये तमाम सिम्टम्स में कुछ कुछ आपको मिलता है एपिस में, लेकिन कंफ्यूजन मत होना। डिफरेंस ये है कि इसमें ड्रॉपसी के साथ जो पानी जमा हो जाता है स्वेलिंग के साथ, प्यास बहुत रहती है एपोशियानम में, जबकि एपिस पल्सेटिला सेपिया ये तीन दवाइयों में भी ड्रॉपसी थोड़ा रहता है, लेकिन उसमें प्यास बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। ठीक है, एपिस, सेपिया, पल्सेटिला, ये तीन दवाएं हमेशा याद रखना जिसमें प्यास बहुत कम रहती है, लेकिन ड्रॉपसी, स्वेलिंग ये सब रहती है बहुत ज्यादा। उसका ठीक ऑपोजिट एपोशियानम में प्यास के साथ, प्यास बहुत रहती है उसके साथ उसमें स्वेलिंग रहती है। ड्रॉपसी, एसआईटिस, एडिमा, कोई भी हो, अब उसको पूछना कि तुम्हें प्यास लग रही है कि नहीं, जब वो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्यास लग रही है, उसके साथ ये सारा स्वेलिंग हो गया है, एपोशियानम डेफिनेटली आप यूज करिए, रिजल्ट 100% मिलेगा। यूरिन एक्सेस कैंटी सीक टर्मिड येलो, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, जब यूरिन कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है, बहुत जो पतला होता था यूरिन, बहुत एक टर्बिड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, येलोइश हो जाता है, उसका मतलब है कुछ तो कुछ गड़बड़ है। वो शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आपका डिस्चार्ज हो रहा था, जो आपके शरीर का जो टॉक्सिक सब्सटेंस वो डिस्चार्ज हो रहा था, वो नहीं हो पाता, शरीर के अंदर जम जाता है, जिसका दुष्परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका एलोपैथिक सिस्टम में कोई दवाई है ही नहीं, होम्योपैथिक में है लेकिन आपको पता नहीं, सही तरीके से किसी ने बताया नहीं आपको। मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आप सुनना, नोट करना, अपने घर में जरूर ला कर रखना। जो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हम जिक्र करते हैं ना दोस्तों, बहुत ही कम चैनल में आपको मिलेगा, बहुत ही कम जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। ये हम एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पायनियर्स हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेटली अभी यूज करना। मोडालिटी, मोडालिटी क्या है स्पेसिफिक, बहुत सारे ड्रग का जो यूज करने का तरीका वो मोडालिटी से ही पता चल जाता है। मोडालिटी मतलब आपकी जो बीमारी हो कहाँ पर बढ़ता है और कहाँ पर कम होता है। कोल्ड वेदर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड लाइंग डाउन, ये तीनों चीजों से बढ़ता है। विंटर सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जो कि हम सीरीज बना रहे हैं विंटर सीजन का। सर्दी के मौसम में खास तौर पर इसका प्रॉब्लम बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्दी में यूज करना है, दूसरे सीजन में नहीं यूज कर सकते, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन विंटर सीजन में इसका प्रॉब्लम बहुत बढ़ता है। ठंड से, ठंड वाला पानी या कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से इसका प्रॉब्लम बढ़ता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और लाइंग डाउन, सोने से, सोते हुए आपका कंडीशन बहुत बढ़ता है, उठ के बैठने से आराम मिलता है, ये उसका एमिलरेशन है, मतलब आराम मिलना, उठ के बैठने से आराम मिलना, सोने से इसका प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ये आमतौर पर देखा जाए तो एपोशियानम बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है इस तरह के सिचुएशंस के लिए, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन जहां पर जान का खतरा रहता है वहां पे ये आपकी जान बचा सकती है, तो डेफिनेटली आप इसको घर में लाकर रखिए। अब पोटेंसी के बारे में बता देता हूँ जाते जाते, 6, 12, 30, छोटे बच्चों को अगर ये दिक्कत है तो लोअर पोटेंसी में यूज करिए, रिपीट करिए दिन में 3 से 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। जब कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ जाए, स्वेलिंग थोड़ा कम हो जाए, तो उसका डोज कम कर देना, ड्यूरेशन बढ़ा देना, दिन में 2 बार कर देना, 5-7 दिन, 10 दिन तक आप दे सकते हैं आराम से। अगर बड़े हैं तो पहले 30, दिन में 2 से 3 बार, 4 बार तक दे सकते हैं, फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद 200 का दिन में 2 बार, 2 दिन या 3 दिन दे सकते हैं। रिजल्ट आने पर डेफिनेटली दवा बंद कर देना। रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप दवा चालू रखेंगे, जैसे एलोपैथिक सिस्टम में होता है कि हाँ तुम्हें 3 दिन या 5 दिन का एंटीबायोटिक खत्म करना है कोर्स, यहां पर ऐसा नहीं है। कंडीशन इंप्रूवमेंट आने के बाद अगर आप दवा बंद करेंगे तभी उसका फुल एफेक्शन आएगा, फिर भी आप चालू रखते रहें अगर इंप्रूवमेंट आने के बाद भी, तो उसमें एग्रावेशन होने का चांसेस रहता है। मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए आपने दवा खाया, आपको इंप्रूवमेंट आया, फिर आप चालू रखेंगे उसको, तो वो प्रॉब्लम फिर से आ सकता है, रिकरिंग हो सकता है, या फिर वो प्रॉब्लम और कई गुना बढ़ सकता है। तो इससे बचिए, दवा सही तरीके से इस्तेमाल करें, पोटेंसी सही तरीके से इस्तेमाल करें, तभी जाकर दवा आपको पता है
सही तरीके से आपने सिलेक्शन किया है लेकिन पोटेंसी सही तरीके से आपने रिपीट नहीं किया तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आप इससे बचें। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रही है मेरे इस चैनल के साथ जिसका नाम है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, और भी बहुत सारे वीडियो हमने यहाँ पर अपलोड किया है, फ्यूचर में और भी करेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए ताकि फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिले यूट्यूब की तरफ से और आप उसको देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।